नमस्कार दोस्तों, 21 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चार इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, देखते हैं कौन कौन से डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेके, लिखा है इसको सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने। इनका ये बोलना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी कंट्री का इलाका कितना बड़ा है, आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है, आपकी आबादी कितनी बड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी छोटी कंट्री के पास, जिसके पास इलाका कम है, जीडीपी कम है, आबादी कम है, साइबर टेक्नोलॉजी अव्वल दर्जे की है, तो वो अच्छी साइबर टेक्नोलॉजी वाली कंट्री बड़े से बड़ी कंट्री को घुटने पे ला सकती है। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे द कार्बन मार्केट कॉनुंड्रम एट COP26। देखिए, अक्टूबर एंड से शुरू हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 स्कॉटलैंड ग्लासगो में, और इस पर्टिकुलर COP26 में जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल नंबर 6 है, इसके ऊपर खासा कर बहस होने वाली है। यहाँ पे इंडिया क्या चाहता है, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहती हैं, ओवरऑल आर्टिकल 6.2, आर्टिकल 6.4, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या बहस होने वाली है आगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज का क्या व्यू पॉइंट है, एक हल्का फुल्का आइडिया। वैसे तो कुछ जगहों पे ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, बट उतनी टेक्निकलिटी में हमको घुसने की ज़रूरत नहीं। हम मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर एक और आर्टिकल है, फॉर चेंज, चेंजेस इन लॉ ऑन सेम सेक्स रिलेशंस मस्ट बी अलाउंग एन एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी। एक्चुअली में अभी रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइजरी इशू की है, और इस एडवाइजरी के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन ने जितनी भी टेक्स्ट बुक्स बनाने वाले अथॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन कराई जाती है, उनको स्पेसिफिकली नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि आपके किसी भी टीचिंग मेथड में, आपकी किसी भी किताब में किसी भी प्रकार का कोई डेरोगेटरी रेफरेंस नहीं होना चाहिए LGBT कम्युनिटी की तरफ। अक्सर कर हमने देखा है इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कि पढ़ते वक्त जो LGBT कम्युनिटी है, इसको लेके कुछ गलत एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कुछ डेरोगेटरी रेफरेंसेस, कुछ ऑफेंसिव बोला जाता है इनकी तरफ, कुछ मजाक में बोल दिया जाता है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ये जो एडवाइजरी आई है ना नेशनल मेडिकल कमीशन की, ये तब आई है जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को अपने पास लिया, और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अक्सर कर कुछ टेक्स्ट बुक्स में अनसाइंटिफिक और डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए, जो कि गलत है। तो पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इस मैटर को उठाया, फिर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मैटर को उठाया, और अब पॉजिटिवली हम शायद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या टीचर्स जो भी ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, वो किसी भी प्रकार का डेरोगेटरी रेफरेंस नहीं देंगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। और चौथा आर्टिकल जो हम देखेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है कि भाई इंडिया से जो चावल एक्सपोर्ट होता है, राइस एक्सपोर्ट होता है यूरोप में, यूरोप में उस राइस को लेके काफ़ी बवाल हो रहा है। कि रिसेंटली हुआ ये कि यूरोप की एक अमेरिकन प्रोडक्ट कंपनी है मार्स, इसने इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्पी एम एंड एम करके इसका एक प्रोडक्ट बिकता है यूरोपियन मार्केट्स में। उसमें जो राइस फ्लोर इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारा इंडिया से आता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है इस कंपनी के द्वारा कि इंडिया से आया हुआ जो राइस फ्लोर है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में बैन है, ठीक है। तो उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी ने यूरोपियन कमीशन के रैपिड अलर्ट सिस्टम को बता दिया, और यूरोपियन कमीशन का रैपिड अलर्ट सिस्टम अब सारी यूरोपियन कंट्रीज में बता रहा है कि भाई इंडिया से जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आ रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया का भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है, और क्या सच में इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज़ के बारे में एक व्यू पॉइंट दे रखा है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। तो ये चार आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चारों यूनिक हैं और चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। मेंबर्स स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल होते हैं, तो एवरी मॉर्निंग आई एम वेरी मच हेल्पफुल टू माई मेंबर्स। तो हमको ज्योति रोहिल ने हमको ज्वाइन किया है, देन आकाश राज ने हमको ज्वाइन किया। आकाश राज का ये 7th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक आकाश, थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। इतने लंबे समय से मेंबर होना, इट इज़ स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। देन सुनिधि कपिल ने हमको ज्वाइन किया है, सुनिधि कपिल 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सुनिधि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। उदित नारायण ने हमको ज्वाइन किया है, राणा मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया, अतीत सोलंकी ने हमको ज्वाइन किया, अतीत सोलंकी का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अतीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एरिक हुसैन ने हमको ज्वाइन किया, एरिक हुसैन का 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक एरिक, थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सत्यम राय ने हमको ज्वाइन किया, पवन सिंह ने हमको ज्वाइन किया, रितेश संत्र ने हमको ज्वाइन किया, विवेक शर्मा ने हमको ज्वाइन किया, विवेक शर्मा का 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन।
एंड स्नेहा कुमारी ने हमको ज्वाइन किया। तो स्नेहा कुमारी, विवेक शर्मा थर्ड मंथ इज अ मेंबर, रितेश संत्र, पवन सिंह, सत्यम राय, एरिक हुसैन थर्ड मंथ इज अ मेंबर, वेलकम बैक एरिक, अतीत सोलंकी सेकेंड मंथ इज अ मेंबर, राणा मिश्रा, उदित नारायण, सुनिधि कपिल फोर्थ मंथ इज अ मेंबर, वेलकम सुनिधि, आकाश राज, स्पेशल थैंक्स टू यू सेवेंथ मंथ इज अ मेंबर, ज्योति रोहिल। सो आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स टू माई चैनल एज ए मेंबर, थैंक यू सो सो मच फॉर यू कंसिस्टेंट सपोर्ट। आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है, जितना आपको नहीं पता उससे ज्यादा। सो वंस अगेन वेलकम। अब बात करते हैं द आउटलाइंस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सुब्रमण्यम साहब, स्वामी साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिख रखा है। ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लॉ ऑफ जस्टिस के भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भले बीजेपी की तरफ से हैं बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बता रखी है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ नहीं है। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आज की डेट में नेशनल सिक्योरिटी के जो पैमाने हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। हालांकि जो भी इनके व्यू पॉइंट्स हैं इसके साथ मैं पूरी तरीके से वाकया नहीं रखता, ठीक है। देखिए इनका क्या बोलना है कि 21st सेंचुरी के ये जो दो डेकेड्स गए हैं इसमें बहुत फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, और ये फंडामेंटल चेंजेस ये बताते हैं कि एक देश जो कि एक ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन में, जीडीपी में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब नहीं है कि केवल ये नहीं है कि केवल उसके बड़े होने से कोई दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट रुक जाएगी। अब मेरे हिसाब से इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ईरान और इसराइल। ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखो और आबादी देखो तो ईरान बहुत बड़ा देश है, इसराइल से तो कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ईरान की आबादी बहुत ज़्यादा है बट फिर भी इसराइल इतना छोटा सा देश अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस के दम पे दुनिया भर में तरखाट में जाए बैठा है। तो कुल मिला के यही शायद पॉइंट यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलने को बोल रहे हैं कि आज की डेट में एक ऐसी कंट्री जो कि साइबर वॉरफेयर में अपनी कैपेसिटी को बहुत बढ़ा चुकी है, उसके पास ज़बरदस्त साइबर वेपनरी है, उसके पास ज़बरदस्त साइबर टेक्नोलॉजी है, तो ये छोटी सी कंट्री जो कि अच्छी साइबर टेक्नोलॉजी अपने पास रखी है वो बड़ी से बड़ी कंट्री को घुटने में ला सकती है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक छोटी मोटी स्मॉल आइलैंड कंट्री भी एक बड़ी सी बड़ी कंट्री के अगेंस्ट साइबर वॉरफेयर लॉन्च करके उसको परेशान कर सकती है। तो कुल मिला के वेपन के इस डोमेन में ये जो साइबर वॉरफेयर है अगर इसमें इनोवेशन लेके आते हो तो एक इक्वलाइजर की तरह काम करता है। अगर वेपन्स के कन्वेंशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जब शुरुआत में प्री हिस्टोरिक एरा में तीर कमान से काम चलाया जाता था, फिर कैनन्स और गन्स आ गए मिडिवल पीरियड में 19th सेंचुरी में, और अब तो एरोप्लेन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 20वीं शताब्दी में आ चुके हैं। अब हम 21वीं शताब्दी में मूव ऑन कर रहे हैं साइबर वेपन्स की तरफ, और साइबर वेपन्स आप कह सकते हो कि एडवांस्ड वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो साइबर वेपन्स है ये एक नेशन की डिफेंस पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की डेट में आप श्रीलंका की बात कर लो, नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज भी अगर अपनी साइबर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को टक्कर दे सकती हैं। इनके अंदर ये काबिलियत है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, वेपन्स इन द 21st सेंचुरी विल मेयरली बीन अ साइबर बटन ऑन द डेस्क ऑफ अ नेशनल मिलिट्री एंड द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि अब वेपन्स ये नहीं है कि आपके पास कोई मिलिट्री मिसाइल हो, कोई न्यूक्लियर मिसाइल हो, एक मिलिट्री का लीडर या फिर एक सरकार का लीडर, साइबर वेपन्स का इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल, साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी अगर आपके ऊपर अटैक बोल देता है सामने वाला परेशान हो जाएगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि लास्ट ईयर 2020 में जब मुंबई में एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो गए थे तो बहुत घंटे तक तो बहुत सारे लोगों को समझ ही में नहीं आया कि ये क्या है, बाद में पता चला है साइबर अटैक है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना। आज तक सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि चाइना की तरफ से साइबर अटैक आया, बट इट हैज़ बीन प्रूवन, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन तो नहीं बोलना चाहिए, इट हैज़ बीन इटरेटेड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वो एक साइबर अटैक ही था। तो कुल मिला के जो फंडामेंटल चेंजेस हैं साइबर टेक में, इसमें क्या क्या आता है, तो ड्रोन्स, रोबोट, सेटेलाइट्स, एडवांस कंप्यूटर्स, ये सब तो ऑलरेडी हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इनको और लीथल बना दिया गया है। तो यही लिखा हुआ है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जब 21वीं शताब्दी की बात की जाएगी, ऑब्वियस ही बात है अब ऐसे माहौल में आपके पास साइबर टेक्नोलॉजी होना चाहिए तो ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो 21वीं शताब्दी में जो नेशनल सिक्योरिटी होगी ना, इसमें सिर्फ ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं होंगे आर्मी और मिलिट्री के, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस फ्रॉम अ रिमोट सेंटर, तो जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे दो फोर्सेस लड़ रही हैं, केवल वही नहीं बैक एंड में
रिमोट ऑपरेशंस, रिमोट सेंटर्स में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिनके बेसिस पे एनिमी के एसेट्स को ट्रैप किया जा सकता है, एनिमी की आर्मी को, एनिमी की एयरक्राफ्ट्स को ट्रैप किया जा सकता है, और वहां से कुछ आप कह सकते हो एप्रोप्रिएट स्टेप्स टेकअप किए जाते हैं जस्ट बाय द क्लिक ऑफ अ बटन। इसको बोला जाता है साइबर वॉरफेयर। और इस प्रकार का साइबर वॉरफेयर चाइना जैसी कंट्रीज ऑलरेडी चला रही हैं इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने मुंबई में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई काटी थी, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया। ठीक है भाई, तो अब इस कंटेक्स्ट में अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिवाइस करनी है एक कंट्री की, तो उसके लिए चार डायमेंशंस में हमको अपनी स्ट्रेटजीज को अक्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको डिफेंड करो, ठीक है। और उसके बाद अगर जब हम अपना एसेट एक बार डिफेंड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑथर नोवल कोरोना वायरस का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि ऑथर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस मोस्ट प्रॉब्ली एक्सीडेंटल था, ये चाइना के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, और उसके चलते पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठ गई, इंडिया के कितने बुरे हालात हुए, ये सब तो देखो हमने समझा ही है। इस पैंडेमिक ने कई मिलियन लोगों को मार दिया, इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। तो इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, एक वायरस जैसा थ्रेट कितना बड़ा तरखाट मचा सकता है, अब इस प्रकार का वायरस को अगर इंटेंशनली बायोवेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में हमें तय करनी पड़ेंगी अपनी प्रायोरिटीज। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, प्रायोरिटीज क्या होगी। तो फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, 21st सेंचुरी के इस अनसर्टेन फ्यूचर को टैकल करने के लिए हमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे जो अलग अलग फ्रंट्स पे इनोवेशन को और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। किस प्रकार के इनोवेशन को? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होने चाहिए, डीसेलिनेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर, थोरियम फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एंटी कंप्यूटर वायरसेस, न्यू इम्यूनिटी क्रिएटिंग मेडिसिन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ओवरऑल प्रायोरिटी दें। इसके साथ यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन को भी ओवरऑल और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन को भी यहाँ पे समझाना जाना चाहिए। एक सिटीजन को नॉर्मल कर अलर्ट रहना चाहिए कि भाई रिमोट बेसिस पे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके खिलाफ अटैक हो सकता है। तो केवल गवर्नमेंट को ही नहीं, एक आम आदमी को भी इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमने फोर डायमेंशन में एक डायमेंशन देखा ऑब्जेक्टिव का कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या, दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव की, वो हमने देखा। तीसरी हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हालांकि ये पॉइंट्स मुझे इतने पोटेंट नहीं लग रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं, आर्टिकल में आपको समझा जरूर रहा हूं, बट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को यहाँ पे बहुत वैराइड पर्सपेक्टिव से समझाया जा रहा है। इसलिए अब आप बोलोगे सर अभी तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इस बारे में बात हो रही थी कि साइबर वेपन्स होने चाहिए, अभी आप ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वगैरह बताने लगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नेशनल सिक्योरिटी को बहुत वैराइड फैसेट से समझाया जा रहा है, इसे जितने डाइवर्स एस्पेक्ट्स हैं वो सब लिए जा रहे हैं। तो स्ट्रेटजी में क्या बताया जा रहा है? तो स्ट्रेटजी में अपने एनिमीज को एंटिसिपेट करना, वो किस डायमेंशन से हमारे अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं, इस बात को एंटिसिपेट करना, और इफ पॉसिबल हम लिमिटेड प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करें। तो अगर हमारे पास, हमें ये बात क्लैरिटी है कि भाई एक साइबर अटैक हो सकता है, तो उस साइबर अटैक से पहले ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनी स्केल का साइबर अटैक लॉन्च कर दें तो बेटर रहेगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स, अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को, डिटेरेंट कैपेबिलिटी को इतना अच्छा कर लो कि सामने वाला हमें अटैक कर ही ना पाए, और अगर वो पक्का कर रहा हो तो उससे पहले हम उसको टैकल कर लें। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर इंडिया की जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है उसको भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, इंडिया हर कंट्री के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो उसमें होता ये है कि ना वो किसी कंट्री का ढंग से दोस्त बन पाता है ना दुश्मन, और उसके चलते खिचड़ी सी पक जाती है। तो अगर आप सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल आपको जो की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं वो नहीं मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अब इंडिया ने रशिया के साथ भी दोस्ती कर रखी है, यूएसए के साथ भी दोस्ती कर रखी है, सबके साथ इंडिया बना चलने की कोशिश कर रहा है, ईरान के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल यूएसए के साथ एक लिमिट से ज़्यादा इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके चलते यूएस की टेक्नोलॉजी का बहुत लिमिटेड एक्सेस है इंडिया के पास। ये प्रकार की बात यहाँ बताई जा रही है। और चौथी बात यहाँ बताई जा रही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के पास पैसे की कितनी कमी है। तो यहाँ पर डिमांड साइड
और सप्लाई साइड दोनों कॉन्टेक्स्ट से बात की जा रही है। डिमांड को बढ़ाने के लिए ओवरऑल लोगों की जेब में पैसा देना और सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमारे देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू और कैपिटल इन्फ्यूजन के थ्रू पूरा करना, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसमें ऑब्वियसली बात है आरबीआई का और सरकार का दोनों का ही रोल है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के इन्होंने चार फैसेट्स बताए हैं। आप चाहो तो चार फैसेट्स लिख सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा स्ट्रेटजी और चौथा रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेट्स टू सेम सेक्स रिलेशंस। देखिए, रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइजरी इशू की और इस एडवाइजरी के चलते ये बोला गया कि जितनी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो किसी भी प्रकार का डेरोगेटरी रेफरेंस अगेंस्ट द LGBTQR कम्युनिटी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब कि अब इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस की बात की जा रही है, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन जहाँ पे किसी भी प्रकार की मेडिकल तैयारी या पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे LGBT कम्युनिटी के लोगों के साथ आप रिस्पेक्ट में बात करो, उनके मजाक में कोई भी एग्जाम्पल उनको मजाक में कोट करते हो मत दो, कोई भी एग्जाम्पल उनको ह्यूमिलिएट करने वाला मत दो, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इस पर्टिकुलर एडवाइजरी को नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा तब रिलीज किया गया जब मद्रास हाई कोर्ट ने अपना कंसर्न जताया। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में LGBT कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट अनसाइंटिफिक और टेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये सही नहीं है। जब मद्रास हाई कोर्ट एक्शन में आया तो नेशनल मेडिकल कमीशन भी एक्शन में आ गया और नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉशन किया है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को जो कि जेंडर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और मेडिकल एजुकेशन में जेंडर से रिलेटेड चीज़ें तो आ ही जाती हैं, ये आपको मेरे को दोनों को ही पता है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे बोला गया कि कोई भी ऐसी किताब जिसके अंदर ऐसे डेरोगेटरी रेफरेंसेज हैं, ठीक है, इनको आपको छापने की जरूरत नहीं है, अगर छपी है तो ओवरऑल टेक्स्ट को यहाँ पे अमेंड करिए, ओके। प्लस वर्जिनिटी और होमोसेक्सुअलिटी जैसे इश्यूज के ऊपर सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से लिखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर मजाक के पर्सपेक्टिव से लिख रखा है तो उसको हटाओ। और ओवरऑल इस सबका श्रेय जाता है जस्टिस आनंद वेंकटेश को। एक्चुअली जो सर्कुलर रिलीज किया गया है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, इसके प्रीकर्सर थे जस्टिस आनंद वेंकटेश। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने जून 2021 में कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की थी जिसके बेसिस पे LGBT कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली में जस्टिस आनंद वेंकटेश साहब के पास एक रिट पिटीशन आई थी एक लेस्बियन कपल की, और इस लेस्बियन कपल का ये बोलना था कि इनके अगेंस्ट हैरेसमेंट हो रहा है, ओके। अब ऑब्वियसली बात है, एक लेस्बियन कपल नॉर्मल कर केसेस में हमारी सोसाइटी में एक लेस्बियन कपल आपको थोड़ा अजीब नजर आएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, उनको हैरेस किया जाता, चाहे वो गे कपल हो चाहे वो लेस्बियन कपल हो, उनको फिर हैरेस किया जाता है, ठीक है ना। उनकी जेंडर आइडेंटिटी एट बर्थ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, उनके हेट्रोनॉर्मेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो कुल मिला के इनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे ये लेस्बियन कपल पहुंचा कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और फिर हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस प्रकार के डिसीजन देने शुरू किए हैं। अब जब इस लेस्बियन की रिट पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने बात की, लेस्बियन कपल की रिट पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने बात की, तो फिर साइकेट्री की भी बात हुई, फॉरेंसिक मेडिसिन की भी बात हुई, टॉक्सिकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स की भी बात हुई, और जस्टिस वेंकटेश साहब ने बोला कि जो NMC है और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, इसको नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे करिकुलम में। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पे अपनी एक एडवाइजरी जारी कर दी और आगे आने समय में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी भी अपनी एडवाइजरी जारी कर देगा। और ऑब्वियसली बात है, इन एडवाइजरी में यही सब चीज़ें हैं कि हेट्रो नॉर्मेटिव जो सेक्शुअल ऑर्डर है, इसको लेके लोगों को परेशान करना, LGBT कम्युनिटी के किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार से परेशान करना, हैरेस करना, उनके खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट करना, ये सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। जज ने यहाँ पे पुलिस को भी डायरेक्ट किया है कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज को आप परेशान नहीं करेंगे, उनको आप हैरेस नहीं करेंगे। NGOs को भी यहाँ पे अवेयर किया जाएगा कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करके LGBT की कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और पुलिस कंडक्ट रूल्स को यहाँ पे अमेंड करने की बात की है मद्रास हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने बोला है कि पुलिस कंडक्ट रूल को अमेंड करना चाहिए, और अगर कोई भी पुलिस वाला ये सेक्सुअल माइनॉरिटीज को परेशान कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे जो जज है ना, उन जज ने खुद एक साइकेट्रिस्ट की थेरेपी ली, काउंसलिंग ली, और अपने माइंडसेट को बदला। जज ने खुद ये बोला है कि भाई देखिए,
हमारा जो माइंडसेट है ओवरऑल एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में वो इस तरीके से देखता है कि एक आदमी होता है एक औरत होती। हमें ये नहीं पता है कि ये जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी है इनकी खुद की कोई गलती नहीं है। ओके उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि हर कोई मैन या वुमेन नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो मैन वुमेन हो बट उसके अंदर मैन वुमेन वाली भावना ना हो, तो दिस इज़ वेरी मच नेचुरल इनसाइड हिम। और हमें अपनी थॉट प्रोसेस में बदलना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो किसी प्रकार से गलत है। तो यही जज साहब ने यहाँ पे बोला है, जेंडर नॉन कन्फॉर्मिटी और बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, इसके आगे बढ़ के हमको सोचना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे जुडिशरी ने एक ज़बरदस्त आप कह सकते हो कि स्टेप लिया है। यहाँ पे कुछ और अनवांटेड से इंसिडेंसेस दे रखे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर गे कपल था और उस गे कपल ने जाके जब अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताई तो साइकेट्रिस्ट ने उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाई दे दी। तो इस प्रकार की सोच हमको ये दिखाती है कि सोसाइटी में सेक्स को लेके कुछ बायसेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। यही सब चीज़ें हमको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही हैं। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो, अच्छा आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप ये नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि भैया मद्रास हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी को बोला है कि अपने करिकुलम को अमेंड करो, जितने भी डेरोगेटिव रेफरेंसेज हैं एलजीबीटी के अगेंस्ट उसको हटाओ, और इसीलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पे एक एडवाइजरी इशू की है। गॉट इट? तो ये था पूरा का पूरा सार इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। नेक्स्ट चलते हैं, प्लगिंग द लीक, इंडिया मस्ट एसुएज इम्पोर्टर्स दैट इट्स प्रोड्यूस इज कॉम्प्लियंट विद ट्रेड डिमांड्स ऑन जीएम फूड। देखिए जून 2021 से लेके अब तक 500 टन ऑफ राइस इंडिया से एक्सपोर्ट हो चुका है, और ये बहुत हद तक यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में एक आग फैल रही है, एक आप कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन सी फैल रही है, या किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन है नहीं है पता नहीं। ओवरऑल ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया से जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यूरोप में जा रहा है। और ये कब पता चला? ये तब पता चला जब एक चेक कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, यूरोपियन कमीशन के रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड के द्वारा। एक फ्रेंच कंपनी है वेस्टहॉफ, ठीक है ना, फ्रेंच कंपनी वेस्टहॉफ के राइस फ्लोर को ये यूरोपियन कमीशन का रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड चेक कर रहा था। और जब चेक किया तब पता चला कि भाई ये जो राइस फ्लोर है ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब जैसे ही ये बात चेक की गई तो पता चला कि जो राइस है ये इंडिया से आया है। उसके बाद भैया एक वार्निंग इशू कर दी गई ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, इटली में, नीदरलैंड में, पोलैंड में, स्पेन में, यूके में, यूएस में, और ये बोला गया कि हो सकता है कि इंडिया का ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है राइस है वो हो सकता है आपके देश में भी पहुँचा हो। अब इसके चलते फिर इंडियन सरकार की तरफ से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है। इंडियन सरकार ने बोला है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया, और ये इंडिया को स्पेसिफिकली मलाइन करने की एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट दे रखा है। देखिए बात यहाँ पे ये बोल रखी है कि अगस्त 2021 में अमेरिकन फूड कंपनी मार्स, ठीक है ना, इसने भी क्रिस्पी M&M का इनका एक प्रोडक्ट है, इसके चार प्रोडक्ट लाइंस में से जो भी राइस फ्लोर लगता है इंडिया से आने वाला इसको बंद कर दिया। जीएम फ्री राइस क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो राइस ना बनाओ, जो राइस ऑर्गेनिक राइस हो। और इंडिया का जो ऑर्गेनिक राइस का एक्सपोर्ट है ना, आप कह सकते हो 63,000 करोड़ है एनुअली। इंडिया किसी भी प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं उगाता, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ही क्यों ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर लगातार ट्रायल चलते रहते हैं, तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस के ट्रायल्स अलग अलग सेग्रीगेटेड प्लॉट्स में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया से निकला, राइस इंडिया से निकला और यूरोप में पकड़ा गया, तो हो सकता है किसी ऐसे ही ट्रायल प्लॉट में वो राइस उगाया जा रहा हो और वहाँ से वो नॉर्मल फील्ड्स में पहुँच गया हो। इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन भी अप्रूवल नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे बीटी ब्रिंजल भी अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन तब भी बीटी कॉटन को फार्मर्स के द्वारा उगाया जाता है, बीटी ब्रिंजल को भी फार्मर के द्वारा उगाया जाता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वैरायटीज को भी फार्मर के द्वारा उगाया जाता है, जबकि इनमें से कोई भी अप्रूव नहीं हुई है। तो इंडिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, दे आर नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड। लेकिन जैसे ही फार्मर्स को पता चला कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इलीगली उसको उगाना शुरू कर दिया और सरकार के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ नहीं सरकार की तरफ से। यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोला है कि यूरोप में जो कंटेमिनेशन की कंप्लेंट आई है ना, इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इंडिया के अंदर एक कमीशन बना के, जिसमें सारी साइंटिफिक बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन होगा।
खास बात यह कि इंडिया के अंदर जीएम क्रॉप्स को अप्रूव करने की जो अथॉरिटी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC एक स्टैटूटरी बॉडी है? और अगर वो स्टैटूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के अंदर है? और अगर स्टैटूटरी बॉडी नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। तो GEAC वेदर इट इज अ स्टैटूटरी बॉडी और नॉट, एंड इफ इट इज अ स्टैटूटरी बॉडी तो वो कौन से एक्ट के अंदर बनी, चूंकि सारी की सारी स्टैटूटरी बॉडीज किसी एक्ट के अंदर बनती है। बरा GEAC इसका काम है जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूवल देना। ना इसने बीटी कॉटन को इंडिया में अप्रूवल दिया, ना बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल दिया, लेकिन दोनों ही क्रॉप्स इंडिया में उगाई जा रही हम जानते हैं। हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है, देखिए जो फार्मर्स हैं और जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का काम क्या है? क्रॉप्स में इनोवेशन करना। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब भी क्रॉप्स में इनोवेशन करती हैं, उस क्रॉप के कुछ सीड और सैम्पलिंग वो फार्मर्स को देती हैं, और फार्मर्स छोटे मोटे प्लॉट्स में इन सीड और सैम्पलिंग्स को उगाते हैं। और वैसे तो ये सीड्स अलग प्लॉट्स में उगाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये सीड्स टेस्ट प्लॉट से निकल के मेन प्लॉट में पहुंच जाती हैं, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो मार्केट में आ जाता है। और शायद यही राइस आपका यूरोपियन मार्केट में पहुंच गया, जिसके चलते ओवरऑल बवाल हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंडिया का ऑफिशियल स्टांस ये है, और ये भी सच हो सकता है कि हो सकता है इंडिया से ऑर्गेनिक राइस गया हो, लेकिन जब यूरोप में पहुंचा हो तो यूरोप में जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को इस ऑर्गेनिक राइस से मिला दिया हो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक राइस महंगा होता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस सस्ता होता है। तो हो सकता है कि ये जो मिक्सिंग है, ये जो आप कह सकते हो एडल्टरेशन है, वो हो सकता है यूरोप में पहुंचने के बाद हुआ हो। अब इंडिया से मान लो एक टन माल गया यूरोप में, और यूरोप में वो पहुंचा पोलैंड में, पोलैंड के बाद वो जर्मनी चला गया, फ्रांस चला गया, हम ट्रैक थोड़ी ना कर रहे हैं। तो पोलैंड में पहुंचने के बाद उसमें कहां पे एडल्टरेशन हुआ, क्या उसमें मिलाया गया, ये इंडियन अथॉरिटीज थोड़ी ना ट्रैक कर रही है। तो ये बोल देना कि भाई किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर मिल में जो राइस मिला है वो इंडिया से आया है और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड है राइस पाया गया, ये गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार का एडल्टरेशन यूरोप के अंदर भी हो सकता है, वहां पर भी लोगों को पैसा कमाना है, वहां पर भी एडल्टरेशन होता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर भी जीएम क्रॉप्स की इस पर्टिकुलर जो मतलब कहते हैं मिक्सिंग है, कि जो जीएम क्रॉप्स के ट्रायल चलते हैं वो सेग्रीगेटेड प्लॉट्स में चलते हैं, और उनको सेग्रीगेटेड प्लॉट्स में ही होना चाहिए, वो नॉर्मल क्रॉपिंग पैटर्न में ना पहुंचे, इस बात को सरकार इंश्योर करने की जरूरत है। और देखिए, इंडिया बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने राइस के एक्सपोर्ट को, बास्केट को मेंटेन कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इंडिया को प्रोएक्टिवली और अर्जेंटली टैकल करने की जरूरत है, ताकि हमारे राइस के एक्सपोर्ट्स आगे आने वाले समय में रुक ना जाए। ठीक है भाई, ये बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। और आज के फाइनल आर्टिकल पे आते हैं, द कार्बन मार्केट्स कोनुंड्रम एट COP26। देखिए, क्लाइमेट नेगोशिएशंस चालू है, और इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। देखिए, ये जो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है ना, यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम को कंक्लूड करने की बात की जा रही है, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसके चलते इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स को बनाने की बात की जा रही है, जिससे हम अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन को पूरा कर सकें। हर पर्टिकुलर कंट्री ने अपने INDC दिए हैं, इसको आप नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो। इस नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारी सरकार ने भी दिए कि भाई 33% एमिशन इंटेंसिटी 2030 तक कम कर देंगे, 40% इलेक्ट्रिसिटी हमारी रिन्यूएबल से आएगी, इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया ने बता रखे। तो इन कॉन्ट्रीब्यूशन को पूरा करने के लिए UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में एक पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली कार्बन मार्केट्स, जो पूरी की पूरी बहस है ना, वो कार्बन मार्केट्स पे। क्या है ये कार्बन मार्केट का लॉजिक? कार्बन मार्केट का लॉजिक ये है कि मान लो एक कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे ग्रीन पावर प्लांट्स बनाए गए, मान लो हमने बहुत सोलर पावर और हाइड्रो पावर का इंस्टॉलेशन किया। अब हम सोलर पावर हाइड्रो पावर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सस्टेनेबल तरीके से एमिशंस कर रही हैं, एनवायरनमेंट को कम डैमेज पहुंचा रहे हैं, तो इंडिया के पास ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और अगर इंडिया के पास ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होंगे, तो इन कार्बन क्रेडिट से इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज से फंडिंग भी ला सकती है, टेक्नोलॉजी भी ला सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था समझिए, पहले था क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल।
इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता था कि जो NX2 वाली कंट्रीज थी, मतलब NX1, NX2, NX3 कंट्रीज थी, तो इंडिया और चाइना और ब्राज़ील जैसी जो कंट्रीज थी, इनको रखा गया था डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में। और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो एमिशंस टारगेट थे वो ना के बराबर थे। जो भी एमिशंस के ऊपर कंट्रोल करना था वो डेवलप्ड कंट्रीज को करना था अंडर द मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो डेवलपिंग कंट्रीज एमिशंस भी कर सकते थे, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज के पास कार्बन क्रेडिट्स होते थे, उस कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके वेस्टर्न कंट्रीज से फंडिंग भी उठा सकते थे। क्योटो प्रोटोकॉल से खासा फायदा हुआ। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो टोटल कार्बन क्रेडिट्स थे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो 255 मिलियन थे, जिसके चलते इंडिया के अंदर $255 मिलियन आ रहे थे अगर एक कार्बन एमिशन रिडक्शन के वैल्यू को आप $0.10 मांगो। तो कुल मिला के क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो एग्रीमेंट बनाया गया था, जो हिसाब बनाया गया था 2005 में, उसके चलते इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें एमिशंस करने को भी मिला और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से मदद भी मिली। लेकिन अब तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं है। अब बात की जा रही है यहाँ पे COP26 में UNFCCC के अंदर एक नए, आप कह सकते हो पेरिस एग्रीमेंट की, नए कॉमन प्लान की जरूरत है यहाँ पे। और उस नए कॉमन प्लान में अब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को वो लेवरेज देना नहीं चाहती। डेवलप्ड कंट्रीज ये कह रही हैं कि भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको भी एमिशंस कट करने पड़ेंगे। इंडिया के ऊपर इंटेंस प्रेशर है कि आप अपनी टाइमलाइन को अनाउंस करिए कि आप कार्बन न्यूट्रल कब होगे। इंडिया ने बोला है हम अभी कोई भी टाइमलाइन अनाउंस नहीं कर सकते। इंडिया ने बोला है कि आप हमको पैसा दो, हमें कार्बन क्रेडिट दो, हमें टेक्नोलॉजी दो। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, जो आपकी COP26 के ऊपर बहस होगी ना, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए COP26 के ऊपर की जो बहस है उससे एक मार्केट मैकेनिज्म इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज। और इस मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करेंगी, अपने नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन को पूरा करने की कोशिश करेंगी। इंडिया का बोलना है कि सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म नहीं, हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटी चाहिए अपने नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन को पूरा करने के। तो मार्केट मैकेनिज्म में क्या होगा, मार्केट मैकेनिज्म में बस खरीदना बेचना होगा कार्बन क्रेडिट्स का। तो इंडिया के अंदर अगर मान लो कोई कोल पावर प्लांट लगा तो वो कोल पावर प्लांट कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेगा किसी दूसरी कंट्री से। अब वो दूसरी कंट्री, वो किसी दूसरे पावर प्लांट से, वो दूसरा पावर प्लांट या दूसरी इंडस्ट्री किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकती है, इंडिया के अंदर भी हो सकती है। तो मान लो इंडिया के अंदर कोई कोल का प्लांट लगा, उससे बहुत सारा कोल एमिशंस हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, तो इंडिया चाइना से, फ्रांस से, श्रीलंका से, मॉरिशियस से, टर्की से कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेगा, उसके लिए इंडिया पेमेंट कर देगा। तो एक प्रकार का मार्केट मैकेनिज्म है। इंडिया बोल रहा है हम मार्केट मैकेनिज्म का क्या करेंगे, हमें तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी चाहिए ना, और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी मिलेगी जब वेस्टर्न कंट्रीज हमको टेक्नोलॉजी देंगी और हमको पैसा देंगी। वेस्टर्न कंट्रीज ना टेक्नोलॉजी देना चाहती हैं ना पैसा देना चाहती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इस COP26 के ग्लासगो में बस एक मार्केट को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। इस मार्केट के चलते वो बोल देना चाहते हैं कि हाँ भाई हर कंट्री के अंदर ग्रीन प्रोजेक्ट्स और कोल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, मतलब जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लगती हैं। अभी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अगर आप लगा रहे हो तो पैसा दे दो, और अगर आप ग्रीन इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो पैसा ले लो। इंडिया बोल रहे हो, बस इंडिया बोल रहा है कि सिर्फ पैसा दे दो पैसा ले लो, ये मार्केट वाले से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें चाहिए डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। और डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि वो लेने को तैयार नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है, इट इज मेंट टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक एंटिटीज टू अंडरटेक मिटिगेशन एक्टिविटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Under this mechanism, a country can purchase emission reductions from public and private entities of the host countries and use it to meet its NDC targets. However, it does not automatically imply that emission reductions transferred from a host country be adjusted against its NDC targets. अच्छा, यहाँ पे अब 3-4 heads बना दिए गए, जैसे कि समझिए ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, USA हो गया। थोड़ा टेक्निकल है इसको समझना, ठीक है। अब इंडिया, चाइना, USA एट द लेवल ऑफ कंट्री, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि भाई आप हमको इतना पैसा दे दो, आप हमको एनर्जी के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी दे दो, हमारे इतने एक्सेस एमिशंस हैं तो हम ग्लोबल कार्बन पूल में इतना पैसा डाल रहे हैं। एक तो सरकार के लेवल पे डीलिंग हो रही है, सरकारी कंपनियों के लेवल पे डीलिंग हो रही है, एक डीलिंग हो रही है प्राइवेट कंपनियों के लेवल पे। प्राइवेट कंपनीज भी आपस में जो भी एक्स्ट्रा कोल बर्न कर रही हैं या जो भी एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी बना रही हैं उसके चलते भी कार्बन क्रेडिट्स क्रिएट हो रहे हैं, और इन दोनों को अलग रखने की बात की जा रही है। प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको अलग, और जो सरकारी लेवल पर काम हो रहा है
इसको अलग, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती हैं कि जो प्राइवेट लेवल पे काम हो रहा है, जो प्राइवेट कंपनीज यहां मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ओवरऑल कार्बन क्रेडिट्स को एक दूसरे के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उसको अप्लाई करो। लेकिन ओवरऑल इंडिया चाहता है कि एक बड़े स्केल पे इसको अप्लाई किया जाए। बेसिकली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री का माइंडसेट रखता है, और डेवलपिंग कंट्री का माइंडसेट ये कि जो हमारा ग्लोबल कार्बन स्पेस है ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मतलब हिस्टोरिकली जितना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू इलाका हमें ग्लोबल कार्बन स्पेस मिलना चाहिए था, उतना तो हमको एटलीस्ट दो। और डेवलप्ड कंट्रीज कह चुकी कि अब तो हम एमिशन कर चुके हैं, अब सब लोग बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज रेडी नहीं हो रही हैं, इंडिया रेडी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 6 याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में आप लोग किस प्रकार से चीज़ें लेंगे, क्वेश्चन में आप इस प्रकार से चीज़ें लिखो। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखो कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमें एमिशंस टारगेट भी कम दिए गए थे, एमिशंस कम करने के टारगेट भी कम दिए गए थे, पैसा भी आता था हमारे पास। अब चूंकि COP26 UNFCCC का आ रहा है और पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है ये बेसिकली एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, तो यहाँ पे एक मार्केट बनाने की बात की जा रही है। इस मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्योरली मार्केट बनाना चाहती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ मार्केट बनाने से हमको फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म में अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को लिमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 6 को डेसिफर करते हुए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करते हुए, डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं मार्केटिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना, और इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना। ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको चेह पाना किसी भी एनवायरमेंट क्वेश्चन में अगर आपके सामने आता है तो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ना ज़रूरत है और ना ही आपके पास समय होगा, ना ही जगह होगी आंसर शीट में। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।